चीन का युआन, भारतीय रुपए के सामने गिरा धराम, भारत उभरते हुए ताकत, चाइना के लिए बन गया आफत, अमेरिकी डॉलर के उड़े होश, चीनी युआन फीका पड़ा, रूस को मिली बड़ी जेल, अमेरिका मारने लगा चीन, चीन के ऊपर भारत की पकड़, तोड़ रहा है चीन की कमर। दोस्तों, चीन के ऊपर भारत की तरफ से हमला शुरू हो गया है। भारत अपनी करेंसी के माध्यम से चीन को कमजोर करता हुआ चला जा रहा है, और किसी भी देश को हराना होता है तो उसको कई तरीके से हराया जा सकता है। या तो उसको हथियार से कमजोर कर दिया जाए, या तो उसको अपनी ताकत का एहसास करा दिया जाए जिसको देखकर वो ऑटोमेटिक ही कमजोर हो जाएगा, या फिर उसकी करेंसी को तोड़ना शुरू कर दीजिए। और भारत ने अपने दुश्मन चीन की करेंसी को तोड़ना शुरू कर दिया है। भारत की करेंसी रुपये इतनी तेजी से लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, इसकी चपेट में अमेरिकी डॉलर भी आ रहा है। भारतीय रुपये ने युआन को चारों खाने चित कर दिया है, और अब भारत तेजी से अमेरिका के डॉलर की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब भारत का जो हमला होगा वो सीधे अमेरिकी डॉलर पर होगा, और अमेरिकी डॉलर को भारत चारों खाने चित करके दुनिया में नंबर वन का परचम लहरा देगा। भारत एक एक कदम चीन और अमेरिका की छाती पर रखते हुए लगातार अपने आप को ऊपर से ले जाता हुआ चला जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर चीन की करेंसी युआन ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है, अमेरिकी डॉलर को भारत ने कॉलर में लटका दिया है, और बहुत जल्द इसको भी भारत अपने पैरों के नीचे दबाकर कमजोर कर देगा। भारत की बढ़ती ताकत पूरी दुनिया को दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत के दो बड़े बिजनेसमैन की तरफ से कुछ ऐसे दावे कर दिए गए हैं जिसको सुनकर भारत के दुश्मनों की और भी ज्यादा हालत खराब हो गई है। इसके विपरीत भारत के जो सपोर्ट में खड़े हैं या भारत के जो दोस्त देश हैं वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हुए हैं। दोस्तों, भारत ने बहुत तगड़ी बाजी मारी है, और ये बाजी भारत की चीन कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इस जीत से पूरी दुनिया में चीन की कमजोरी का एहसास किया गया है। वहीं भारत की बढ़ती ताकत का वर्चस्व देखा गया है। लोगों ने देख लिया है कि कैसे भारत चीन को पछाड़ कर अब अमेरिका की छाती पर कदम रखने के लिए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि अमेरिका दूसरे देशों को मना करता है रूस से तेल खरीदने को, लेकिन खुद फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। और यही बात यूरोपीय देशों पर भी लागू होती है, वो भी दूसरे देशों को मना करते हैं कि रूस एक आतंकी देश है, लेकिन वो लोग खुद चुपके चुपके से तेल खरीद रहे हैं। और दूसरी तरफ रूस को मिली है ऐसी कामयाबी जिसकी वजह से 9 महीने की अमेरिका की मेहनत मिट्टी में मिल गई है, और इसमें भारत का कैसा योगदान है इस पर बात करेंगे। और तो और, भारत के रुपए ने अमेरिका के डॉलर को किस तरीके से पछाड़ा है इस बारे में भी हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि किस तरीके से यूरोप और ब्रिटेन रूस से तेल खरीद रहे हैं। वो दूसरे देशों को तो मना करते हैं, मगर खुद चुपके चुपके से तेल खरीद रहे हैं, और इस काम में यूज हो रही है ग्रीक की कुछ कंपनियां जो कि बिना कोई नाम यूज करे चुपके से रूस का तेल यूरोपीय देशों तक पहुंचा रही है। यहां पर आपको यूरोपीय देशों का दुगलापन साफ नजर आएगा। ये दूसरे देशों से तो ये कह रहा है कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, यूरोप नाइंसाफी कर रहा है यूक्रेन के साथ, मगर खुद ये भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। इतना ही नहीं, यूरोपीय देश अब कहने लगे हैं कि वो प्राइस कैप लगाएंगे, यानी कि वो तय करेंगे कि रूस कितने का तेल किससे बेचेगा। इस मामले में 27 देश आपस में ही लड़ गए हैं। कोई कहता है कि हम $70 का प्राइस कैप लगाएंगे, कोई कहता है $60 का, कोई कहता है $20 का। यानी कि ये देश चाहते थे कि रूस $20 का एक बैरल ऑयल बेचे जिससे रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं चलाना चाहिए। ठीक यही बात लागू होती है यूरोप के ऊपर। यूरोप को तो पत्थर चला रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं देख रहे हैं, ये लोग शीशे के घर में रह रहे हैं और उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने, यानी उनका नंगापन सबको दिख रहा है। वो रूस को जो तेल बेचने से रोक रहे हैं, मगर उन्हें भी पता है कि उसे रूस की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा जितनी की रूस को उसकी है। अब बात हो रही है कि $70 प्रति बैरल तेल का रेट लगाएंगे, लेकिन इससे भी यूरोप में कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि रूस का इस समय $40 से $60 प्रति बैरल बेच रहा है, और इतने सस्ते में बेचने के बावजूद भी रूस को अच्छा मुनाफा हो रहा है। दोस्तों, रूस को इतना मुनाफा हो रहा है कि रूस ने अब अपना और तेल प्रोड्यूस करना चालू कर दिया है। इसके अलावा रूस ने तो ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी देश प्राइस कैप को मानेगा, हम उससे कोई भी नाता नहीं रखेंगे, न हम उससे गैस देंगे न ही तेल देंगे। और रूस को आजकल इतना मुनाफा हो रहा है कि वो सारे रिकॉर्ड को पार कर चुका है, और वो आर्थिक तौर से साफ साफ जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण ये है कि रूस ने पहले तो यूरोपीय देशों से साफ साफ कह दिया है कि उन्हें जो भी सौदा करना है वो रूबल में ही होगा, वरना नहीं होगा, जिससे रूस की करेंसी मजबूत हो गई है। यूरोपीय देश जितना भी रूस का विरोध करते रहेंगे तो वो रूसी गैस के मोहताज हो जाएंगे, लेकिन रूस को इस मुकाम में पहुंचाने में भारत का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जिस समय भारत ने रूस की मदद की उस समय कोई भी देश रूस की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, उस समय भारत आगे बढ़कर आया था, और भारत ने अपनी ऐसी दोस्ती दिखाई जिसे देखकर यूरोपीय देशों को मिर्ची जरूर लगी थी। और ऐसे हालात में रूस ने अपना प्रॉफिट दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया है।
जिससे अब सभी देशों को लग रहा है कि रूस मैदान में लंबे समय तक टिकेगा और अमेरिका और यूरोपीय देशों की आंख में लंबे समय तक खटकता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपयों ने अमेरिका के डॉलर को चिंतित करके रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अमेरिकी डॉलर की आंखों में खटक रहा है भारतीय रुपया। और भारत की नीतियाँ कुछ इस तरीके से है कि वो अमेरिकी डॉलर को खटकने लगा है। और तो और, दो बड़े भारतीय व्यापारियों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि फ्यूचर में भारतीय रुपया आसमान को छू लेगा। दोस्तों एक तरफ तो गौतम अडानी ने कहा भारत 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी जी ने कहा है भारत 2047 तक 40 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को पार कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ डॉलर भारतीय रुपयों के आगे गिरता हुआ साफ साफ दिखाई देने लगा है और दो बड़े बिजनेसमैन एक ही बात कह रहे हैं, तो इसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा है कि किसी करेंसी की वैल्यू कैसे की जाती है? जैसे कि डॉलर को इतना स्टेबल करेंसी क्यों माना जाता है? डॉलर को इतनी स्टेबल करेंसी इसलिए माना जाता है क्योंकि वो एक हार्ड करेंसी है और हार्ड करेंसी होने की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि उस करेंसी को स्टेबल होना जरूरी है, उस करेंसी को आसानी से बदला जा सके और जिस देश की करेंसी रहे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और साथ ही साथ दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का इस पर विश्वास होना भी जरूरी है। और जब इसे फॉरेन रिजर्व में रखे तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। हार्ड करेंसी के सारे नियम डॉलर मानता है, इसलिए डॉलर का इतना ज्यादा वर्चस्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम डॉलर की बात कर रहे हैं, भारतीय रुपयों की बात कब होगी? तो चलिए भारतीय रुपयों की बात चालू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं खुशखबरी के साथ। भारतीय रुपयों ने चाइनीज करेंसी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में एक मजबूत पकड़ हासिल की है, यानी कि रुपये ने युआन को हरा दिया है। और इतना ही नहीं, अफ्रीका के कई देशों ने भी रुपये में सौदा करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया। दोस्तों भारत ने काफी देशों के साथ कि वो रुपये में सौदा करे और इसमें से कुछ देश मानते हैं और इसमें से कुछ देश मानते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। दोस्तों भारत की प्लानिंग है कि वो 20 से 30 देशों को अपने साथ जोड़ ले और उसके साथ रुपये में सौदा करे, जिससे भारतीय करेंसी को लाभ भी होगा। अब भारत जैसी प्लानिंग कर रहा है, इसमें अगर वो सफल हो गया तो मात्र 4 सालों का सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ही $1 ट्रिलियन से ज्यादा का होगा, जो इस समय $420 बिलियन का है। और अफ्रीकन देशों को तो रुपये में काफी विश्वास होता जा रहा है। और बात करें चीन करेंसी की, वो क्यों फेल हो रही है? तो इसकी वजह है वो हार्ड करेंसी के रूप को फॉलो नहीं कर रही है, वो हार्ड करेंसी के रूल को फॉलो नहीं कर रही है। और भारतीय रुपये हार्ड करेंसी के रूल को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इन सब मामले में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।